हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरी जायका। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लियांगपी की रेसिपी। जी हाँ, ये चाइनीज़ रेसिपी है और ये क्रिसमस स्पेशल रेसिपी है। तो ये चाइना में जो है, इसे एज अ स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसे। तो ये बनाने में भी बहुत ईजी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो एक बॉल मैंने मैदा ले लिया है। दो तीन पिंच जो है आपको नमक डालना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से गूंथ लेना है। आप चाहे नॉर्मल जैसे आप रोटी के लिए आटा रेडी करते हो डेली, वैसे ही आपको रेडी करना है। तो उस तरह से हम लोगों ने रेडी कर लिया है। 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसे अनकवर करेंगे और इसमें हम लोग एक बॉल एक कटोरी पानी ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है इस डो को हम लोग धो लेंगे अच्छे से। हम लोगों को इसे अच्छे से वॉश कर लेना है इसमें पानी में। और जैसे ही हम लोग वॉश करना स्टार्ट करेंगे, पानी का कलर आप देख रहे होंगे कि दूधिया हो गया है काफ़ी, और एक पेस्ट जैसा बन गया। तो जो दूधिया पानी का कलर जो आया है ना, इट मीन्स ये स्टार्च है। इसे स्टार्च कहते हैं। मैदे में जो मौजूद स्टार्च होता है वो पानी में घुल चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को छान कर उसे अलग करके हम लोगों को रख लेना है। और इस तरह से ये जो हम लोगों की छन्नी में जो मोटा मोटा सा हम लोगों को दिख रहा है ना, इसे कहते हैं ग्लूटॉन। इसे ग्लूटॉन कहते हैं। और ये ग्लूटॉन को हम लोगों को 3 टाइम धोना है, 3 बार धोना है। ये दूसरी बार मैं धो रही हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे कि सेकेंड टाइम भी जो है पानी का कलर जो है पूरा दूधिया हो गया है। तो हम लोगों को बिल्कुल इस तरह से हाथ से निचोड़ कर ग्लूटन को निकाल लेना है और फिर से इसे छन्नी से छान लेना है। हम लोगों को सारे स्टार्च को एक जगह कलेक्ट करना है और इसे हम लोगों को कवर करके 4 घंटे के लिए सेव करके रख देना है एक साइड में। ठीक है ना, ये मैं 3rd टाइम धोने जा रही हूँ। अब देखोगे ये 3rd टाइम जब मैं धोऊंगी ना, तो इसका पानी का जो कलर है वो दूधिया ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ट्रांसलूशन टाइप का कलर आएगा। आप समझ लेना कि इट मीन्स इसे और नहीं धोना है। ये देखिए काफ़ी फ्लफी है, बहुत फ्लफी है ये। तो इसे मैं जो है एक बाउल में निकाल कर रख ले रही हूँ। और ये ग्लूटॉन जो है इसका भी यूज़ बाद में मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो ये जितना भी स्टार्च है इसे हम लोग कवर करके रख दिए। और ये ग्लूटॉन जो है इसमें मैं डालूंगी 4 पिंच खाने का सोडा और 4 पिंच जो है बेकिंग पाउडर। इसके जगह पे चाइनीज जो हैं वो इंस्टेंट ईस्ट का यूज़ करते हैं, जो हमारे इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने उसका अल्टरनेटिव बताया है आपको। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो आपको ऐड कर देना है और इसे भी 4-5 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। तो उसके बाद जो है अब आपका हम लोग क्या करेंगे, तड़के का तैयारी करेंगे। तड़का जो है ये मैंने चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहें तो वो चिली फ्लेक्स जो आता है ना, लाल मिर्च का जो दानेदार पाउडर आता है वो दरदरा वाला, वो आप ले सकते हैं। और इसमें मैंने नमक डाला है, 2 से 3 पिंच जो है नमक मैंने डाला है। और उसके बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी तिल, यानी कि सेसमे सीड, वो मैं डाल रही हूँ। कम से कम 2 से 3 चम्मच मैंने ऐड किया हुआ है। अब जो है तड़के का पैन डाला है मैंने गैस पर। और उसके बाद जो है इसमें मैं 1 बॉल जो है तेल डालूँगी। और इसमें मैं तड़के के लिए गरम मसाले का यूज़ करूँगी। गरम मसाले में मैंने स्टार एनीस डाला है और उसके बाद 2 टुकड़ा दालचीनी का है और 3 आधी आधी इंच पतली पतले एकदम स्लाइसेस जो हैं अदरक के हैं। और 4-5 मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, यानी कि गोल मिर्च यूज़ किया हुआ है। तो यदि आपके पास में मैंने एक लौंग भी डाला है, यदि आपके पास बे लीफ है यानी कि तेजपत्ती है तो ज़रूर डालें, और लौंग ना डालें, ये ऑप्शनल है लौंग। और ये जो है मैंने लास्ट में लाल मिर्च जो है वो ज़रूर डालना है, क्योंकि उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो अब डाल लें और इसे तड़कने दें। ये जस्ट सब जब तड़क जाए तो इसे सबको निकाल कर एक साइड में रख लेना है। और इस जो ऑयल है, इस ऑयल का हम लोग को यूज़ करना है। 1 मिनट इसे ठंडा होने के लिए दें और उसके बाद इसमें हम लोगों को तड़के में इसे डाल देना है, जो हम लोगों ने रेडी करके रखा था, मिर्च और सेसमे सीड का, ठीक है, तिल का। तो उसमें हम लोगों को ऐड कर देना है। चाहे आप ये तेल को ही कटोरा में डालें या फिर कटोरे वाले को आप तड़के पैन में डालें, एक ही मतलब है। अब उसके बाद जो है थोड़ा देर इसे ठंडा होने दें और उसके बाद जो है लास्ट में ब्लैक विनेगर, यदि आपके पास है तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव है नींबू का जूस जो है वो आप डाल दें, यानी कि आधे नींबू का जूस जो है वो डालें। अब जो है हम लोग चलते हैं, चलिए लिंगपी जो है वो बनाते हैं। तो लिंगपी जो है उसके लिए करना क्या है, जो हम लोगों ने 4 घंटे के लिए उसमें रेस्ट पे डाला हुआ था उसके जो स्टार्च को, तो उसमें जो है एक लेयर बना हुआ था ऊपर में एक्स्ट्रा पानी का,
उस पानी को निकाल देना है, फेंक देना है उस पानी को, और जो नीचे में जो गाढ़ा सा एक स्टार्च का सॉल्यूशन बना हुआ है उसको हम लोगों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हम लोगों को इसी से बनाना है जो भी हम लोगों को आगे बनाना है। तो हम लोग ले लेंगे एक पैन, और पैन में एक ग्लास जो है पानी डालकर, स्टैंड डालकर उसे कवर करके बॉयल होने के लिए दे देंगे, और एक प्लेट लेंगे। इस प्लेट में जो है कुछ ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया है, एक स्पून अप्रॉक्स ऑयल जो है वो आपको डालना है, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें, और इसे अच्छे से फैला लें, तेल को अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें स्प्रेड कर लें, और उसके बाद जो है इसमें हम लोगों को जो हम लोगों ने स्टार्च सॉल्यूशन बनाया हुआ था वो इसमें हम लोगों को डाल देना है लिक्विड वाला। और उसके बाद जो है ये बहुत मोटा नहीं डालना है, बहुत पतला भी नहीं डालना है, और इसे हम लोगों को जो उबलता हुआ पानी हम लोगों ने अभी डाला था उबलने के लिए, वो पानी उबल गया है, तो अब उसमें हम लोगों को डाल देना है, और इसे कवर करके हम लोगों को 1 से 2 मिनट तक पकने दे देना है। बहुत जल्दी पक जाता है। जब तक कि वो हो रहा है, पक रहा है, तब तक कि मैं आपको बता देती हूँ गार्लिक वाटर जो है वो कैसे रेडी करना है। तो 5 से 6 जो है वो कुचला हुआ आप लहसुन ले लें, और उसमें जो है आधा बॉल जो है पानी ऐड कर लें, बस गार्लिक वाटर रेडी हो गया, और उसे एक साइड करके रख लें। ये 2 मिनट हो चुका है, ये हम लोगों का लियांगपी रेडी हो गया। अब इसे हम लोगों को निकाल लेना है, बस वेट करना है 6 से 7 सेकंड का, ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी ही। और इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आपको साइड साइड से धीरे धीरे से चम्मच को चलाते हुए साइड साइड से इसे प्लेट से अलग करना है, और उसके बाद जो है अपने हाथों के हेल्प से इसे निकाल लें इस तरह से। ये देखिए, ये बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही इजीली जो है निकल जाता है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको बनाकर सबको एक साथ में एक साइड सेव करके रख लेना है। ठंडा होने के लिए आप जो है एक प्लेट में साइड साइड में इस तरह से फैला कर रख दें, सब ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इसे एक साथ मिलाकर हम लोगों को कट करना है। मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरह से कट करना है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ठीक है। तो अब जो है हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोगों को इसी प्लेट में ये जो हम लोगों का लास्ट हम लोगों ने रखा था ना क्रोटॉन जो हम लोगों ने रखा था ना खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ में मिक्स करके, तो उसे हम लोगों को अब डाल देना है स्टीम होने के लिए। और उसके बाद जो है ये सबको हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर डालकर लियांगपी को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर और इसे हम लोगों को कट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोगों को कट कर लेना है, इससे नूडल्स हम लोगों की रेडी होने लगेगी। और इस तरह से कट करके और हम लोगों को इससे हाथों से इस तरह से अलग कर लेना है। और अब जो है ये देखिए, ये भी रेडी हो गया है, तो इसे भी हम लोगों को निकाल लेना है, और इसे भी हम लोगों को पतला पतला कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से नूडल्स जैसे कट कर लेना है। अब बस हम लोगों को प्लेटिंग करना है, बहुत ही जल्दी बन गया, आप देख सकते हो। इस तरह से हम लोगों को डाल देना है सारा, जितना भी नूडल्स है सब हम लोगों ने डाल दिया है। अब सैलेड डालना है, कुकम्बर मैंने डाला है, यानी खीरा डाला है, गाजर डाला, और ये टमाटर का सबका स्लाइस मैंने डाल दिया है। अब जो है धनिया पत्ती मैं बाद में डालूंगी। और अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा जो हम लोगों ने ये देखे ग्लूटन जो हम लोगों ने रखा था वो मैं 4 पीस डाल दी हूँ, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। ये मैंने 4 से 5 चम्मच जो है मैंने गार्लिक वाटर डाला, जो कि मैंने अभी बनाने के लिए बताया था आपको। ये मैंने जो है लेमन जूस डाला है, पूरा 1 लेमन जूस आपको डाल देना है। और ये मैं डाल रही हूँ तड़का, तड़के का जो डार्क वाला है ना नीचे जमा हुआ उसे आप ज़रूर डालें। तड़का आपको 5 से 6 टीस्पून जो है वो ज़रूर डालना है, बाद में और ज़्यादा आप डाल सकते हो। यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने लेमन जूस जो है लास्ट टाइम डाला है वो लेमन जूस जो है उसकी जगह पे यदि आपके पास ब्लैक वेनेगर है तो आप ज़रूर डालें। सोया सॉस है, एकदम नेसेसरी डालना है, सोया सॉस मिस नहीं करना है, क्योंकि उसमें एक अलग सॉल्टी टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है वो इसमें, तो उसे ज़रूर डालें। और लास्ट में सेसमे ऑयल ज़रूर डालें, यानी कि तिल का तेल, ये बिल्कुल फिनिशिंग टच देता है। और यदि आपको बिल्कुल फिर भी फीका लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें चिली सॉस और टोमेटो सॉस ऊपर से डाल सकते हो, थोड़ा सा चिली डाल सकते हो, और इस तरह से कोरिएंडर लीफ के साथ में आप इसे सैलेड के साथ में सर्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।